हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अमन शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द प्रीवियस वीडियो इन विच वी आर डिस्कसिंग फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सो नेक्स्ट टॉपिक कम्स अंडर दिस चैप्टर इज सब्लिमेशन। ओके, यू नो व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन, ओके, सब्लिमेशन व्हेन वी चेंज अ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू वेपर्स डायरेक्टली विदाउट मूविंग इन टू लिक्विड। जब हम सॉलिड से डायरेक्टली वेपर स्टेट या गैसेस स्टेट में मूव कर जाते हैं उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। किसी भी सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन, कैम्फर, आयोडीन, इनको थोड़ा सा भी अगर हम हीट करें तो ये विदाउट मेल्टिंग ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जब इन्हें कूल करो तो डायरेक्टली सॉलिड बन जाते हैं विदाउट गोइंग इन टू लिक्विड फेज। सो बिकॉज ये प्रोसेस भी रिवर्सिबल है और सिर्फ कंडीशन चेंज करने पर हमें ओरिजिनल प्रोडक्ट दोबारा से मिल रहा है, दैट मीन दिस इज अ फिजिकल प्रोसेस। डिजोल्विंग ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, नेक्स्ट इज डिजोल्विंग ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस इन लिक्विड। जैसे शुगर है या सॉल्ट, अगर उसे हम पानी में डिजोल्व करें, पानी में मिक्स करें तो ईजिली डिजोल्व हो जाता है। सो जो चीज़ डिजोल्व होती है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। जिसमें डिजोल्व होता है, जैसे जो शुगर है वो हमारा सॉल्यूट है। शुगर किस में डिजोल्व हो रहा है? वाटर में। वाटर क्या है? हमारा सॉल्वेंट। सो कंबाइनली इन दोनों को कहते हैं हम सॉल्यूशन। सो जैसे हमें पता है कि अगर मैं वो पानी को दोबारा से बॉयल करूँगा, उसमें अगर मैंने शुगर या सॉल्ट डाला हुआ है, तो आफ्टर सम टाइम पानी सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा। जो भी शुगर या सॉल्ट डिजोल्व है वो नीचे रेजिड्यू की फॉर्म में रह जाएगा। सो मुझे ओरिजिनल चीज़ दोबारा से मिल गई। सो इवेपोरेशन के बाद मुझे वापस से मेरा सॉल्यूट मिल गया। सो दिस इज़ अ फिजिकल चेंज। सो व्हाइल डिजोल्विंग इन अ लिक्विड, अ सॉलिड ब्रेक अप इनटू मॉलिक्यूल्स इनसाइड द लिक्विड। दीज मॉलिक्यूल हाइड देमसेल्फ इन द इंटरमोलिक स्पेसेस ऑफ लिक्विड। ओके, तो जो भी हमारा सॉलिड सब्सटेंस है, सॉल्यूट है, जब हम उसे डिजोल्व करते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। जब वो ब्रेक हो जाता है तो वो अपने आप को हाइड कर लेता है जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस हैं दैट पर्टिकुलर लिक्विड के। आपको पता है हर एक में इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो। लिक्विड में थोड़े ज़्यादा होते हैं, सॉलिड्स में थोड़े कम होते हैं। अब क्योंकि वाटर लिक्विड है, तो जब हमारा सॉल्यूट सॉल्ट या शुगर या कोई भी और सॉल्यूट, जब वो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है तो वो अपने आप को हाइड कर लेता है जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस हैं लिक्विड के। अब लिक्विड के जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस हैं, अगर वो उनमें हाइड कर रहा है, दैट मींस वो कोई वॉल्यूम को ऐड नहीं कर रहा, वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं कर रहा। सो ये आप करके भी देख सकते हो घर पे। अगर आप किसी भी चीज़ में किसी भी अब कभी पानी में शुगर या सॉल्ट डालोगे, उसे अच्छे से घोलोगे, उसके बाद आप चेक कर सकते हो जो पानी का लेवल है वो ऊपर नहीं हुआ, पानी का लेवल सेम रहा, मीन्स वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। ये आप देख सकते हो, इस रेड वाले सॉल्यूट है, ब्लू वाले सॉल्वेंट। तो जब हमने इन्हें डिसॉल्व किया तो ये जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं ये इस तरह से अरेंज हो गए कि ये सॉल्यूशन बन गए और सॉल्वेंट के इंटरमोलिकुलर स्पेसेस में अरेंज हो गए। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डज नॉट चेंज इफ समथिंग इज डिसॉल्वड इन इट। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाउ कम्स टू द केमिकल चेंजेस। ए चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड एंड विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द कंडीशंस इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। वो चेंज जिसमें हमें न्यू सब्सटेंसेस हमारे फॉर्म होते हैं और उस पर्टिकुलर चेंज को हम सिर्फ कंडीशंस रिवर्स करने से चेंज नहीं कर सकते, वापस रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। सो दैट इज नोन एज केमिकल चेंज। कुछ एग्जांपल्स हैं, बर्निंग, कभी किसी चीज़ को जलाओ वी गेट ऐश, बट दैट ऐश अगर हम उसे ठंडा करें तो वो वापस से दैट पर्टिकुलर कागज़ या वुड नहीं बन सकता। सो अगर हमने किसी भी कंबस्टिबल फ्यूल जैसे LPG, केरोसिन, पेपर, वुड, कोल, हाइड्रोजन, इनको किसी को भी अगर हम जलाएं, एयर में बर्न करें, तो ये हमें क्या मिलेगा? बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज होगी एंड सम अमाउंट ऑफ ऐश। बट इस ऐश जो हमारा एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, इसे हम वापस से
ये हाइड्रोजन, कोल, वुड, पेपर, लिक्विड, कैरोसिन कुछ भी नहीं बना सकते। इवन कुछ तो ऐसे भी हैं इनमें, जैसे एलपीजी, जिसमें ऐश प्रोड्यूस ही नहीं होती, ये कम्प्लीटली कंबस्टिबल है, इनमें कोई ऐश प्रोड्यूस नहीं होती। यू हैव लर्न दैट बर्निंग इज अ फास्ट रिएक्शन बिटवीन कंबस्टिबल सब्सटेंसेज एंड ऑक्सीजन इन एयर। सो ये तो आपको पता ही है कि ऑक्सीजन के बिना बर्निंग नहीं होती। सो ये काफ़ी फास्ट रिएक्शन होती है जो बर्निंग है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। व्हेन किंडल्ड हाइड्रोजन बर्न इन एयर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस वाटर। जब भी हम हाइड्रोजन को बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है? न्यू सब्सटेंस वाटर। ऑन बींग कूल्ड वाटर डज नॉट गिव बैक हाइड्रोजन। जब वाटर को ठंडा करें तो वापस हमें हाइड्रोजन नहीं मिलती। सो दिस चेंज इज इरिवर्सिबल। सो दस बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इज केमिकल चेंज। सो वी कैन से बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन इज अ केमिकल चेंज। सेम वे कोल मेनली कार्बन का बना होता है। व्हेन बर्न्ड द कार्बन ऑफ कोल कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन एयर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस एंड इज लिबरेटेड इन टू द एयर। दिस चेंज इज इरिवर्सिबल। ऑल बींग कूल्ड कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट गिव ब्लैक कार्बन एंड ऑक्सीजन। सो जो हमारा कोल है, जब हम उसे बर्न करते हैं एयर में, तो हमें बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिट होती है, उसमें लिबरेट होती है हवा में। बट अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में जाके ठंडी हो जाएगी थोड़ी देर बाद, तो दोबारा से हमें कार्बन या कोल नहीं मिलेगा। सो बर्निंग ऑफ अ कोल इज अ केमिकल चेंज। सेम वे बर्निंग ऑफ वुड, पेपर, सो ये भी दीज आर केमिकल चेंज। एंड कैरोसिन, पेट्रोल, एलपीजी, दीज आर ऑल्सो इसमें, इन सब में हमें क्या मिल रहा है? न्यू सब्सटेंस मिल रहा है। और जैसे सभी में कार्बन डाइऑक्साइड तो हर एक फ्यूल से मिल ही रही है ऑलमोस्ट, तो ये आप रीड कर सकते हो, बिल्कुल सेम वैसा ही है। सो बर्निंग ऑफ वुड और पेपर इज अ केमिकल चेंज। सेम वे कैरोसिन, डीजल, इनसे भी हमें क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर वेपर्स मिल रहे हैं। सो ये चेंज भी इरिवर्सिबल है। सो दिस इज़ अ केमिकल चेंज। ये आपका एलपीजी बर्नर दिखा रहा है। इथेनॉल। ओके, इथेनॉल क्या होता है? इसे हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, कॉमनली नोन एज अल्कोहल। इट इज़ अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का बना हुआ है। इट इज़ अ लिक्विड दैट कैचिज फायर नियर अ फ्लेम एंड बर्न्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस इज ऑल्सो केमिकल चेंज। सो इथेनॉल को बर्न करो, वो भी ऐसे ही जलता है, और हमें क्या मिलता है? फायर, फ्लेम एंड हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। तो आप इजीली समझ गए कि हमें न्यू प्रोडक्ट मिल रहे हैं, और पानी एंड कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा ठंडा करें तो इथेनॉल नहीं मिलेगा। सो दैट मीन्स दिस इज़ अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट इज योर रस्टिंग। आयन रस्ट इन अ मॉइस्ट एयर फॉर्मिंग अ रेड ब्राउन सॉलिड कॉल्ड रस्ट। द रस्ट कैन नॉट बी चेंज बैक इन टू आयन बाई रिवर्सिंग द कंडीशन। द चेंज इज इरिवर्सिबल। रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज। सो लोहे को जब भी हम थोड़ी सी मॉइस्ट एयर, गीली एयर के साथ उसका कॉन्टैक्ट होगा, तो उसमें रेड ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है, तो उसे हम कहते हैं रस्ट। सो ये रस्टिंग को हम सिंपली कंडीशंस रिवर्स करने से, मतलब कि उसे अगर ड्राई एयर से पास करें तो वो वापस से आयरन नहीं बन जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है? केमिकल चेंज। रस्टिंग आई गेस सभी ने देखा हुआ है, यहाँ पे ये पिक्चर शो भी कर रही है रस्टिंग की। सो दिस इज़ व्हेन आयरन कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्ट एयर, एंड दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स बाय जस्ट रिवर्सिंग द कंडीशन। सो इट इज़ अ केमिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड। द टेस्ट ऑफ वेजिटेबल्स एंड पल्सिस चेंजेस ऑन बींग कुक्ड बिकॉज न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म इन द प्रोसेस। ऑल्सो वी कैन नॉट ऑब्टेन ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रॉम अ वेजिटेबल करी और ग्रेन्स फ्रॉम अ कुक्ड पल्सिस। सो द कुकिंग ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज। सो जब भी हम कुकिंग करते हैं, तो जो सपोज कोई भी फूड आपने कुक किया, राइस कुक किया, या कोई पल्सिस से कोई दालें वगैरह बनाई हैं, तो वो हमें क्या मिलता है? हमेशा एक नई चीज़, एक प्रोसेस चीज़ मिलती है। तो उस प्रोसेस के दौरान जो चीज़ बनी है, उसे वापस ठंडा करने में हमें ओरिजिनल ग्रेन्स नहीं मिलते। जो एक बार आपने रोटी बना ली, या चावल बना लिए, या दालें बना ली, या सब्जी बना ली, वापस उन्हें ठंडा करने पे हमें ओरिजिनल फूड नहीं मिलता।
सो दैट मीन्स कुकिंग ऑफ अ फूड इज़ अ केमिकल चेंज, और इसे ठंडा करने में हमें दोबारा से पुरानी चीज़ नहीं मिल रही, सो दिस इज़ अ केमिकल चेंज. कर्लिंग ऑफ मिल्क, वंस मिल्क इज कर्डल्ड ए न्यू सब्सटांस कर्ड इज फॉर्म. मिल्क कैन नॉट बी ऑब्टेन बैक फ्रॉम द कर्ड, द चेंज इज इरिवर्सिबल, दस कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज अ केमिकल चेंज. तो जैसे हम क्या करते हैं, दूध में जाग लगाते हैं थोड़ा सा, उसके बाद हमें सुबह दही मिल जाता है. अब इस दही से आप वापस कर्ड से वापस से दूध ऑब्टेन नहीं कर सकते, सो दिस इज़ अ इरिवर्सिबल चेंज. दस वी कैन से कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज अ केमिकल चेंज. चारिंग ऑफ शुगर, ओके, शुगर बिलोंग टू क्लास कंपाउंड कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट कंटेन्स कार्बन एंड एलिमेंट ऑफ वाटर, सो शुगर इज हीटेड, वाटर गेट लूजन एंड वेपोराइज, ब्लैक रेजिड्यू ऑफ कार्बन इज लेफ्ट बिहाइंड. यू हैव लर्न दैट द चेंज इज ऑल्सो इरिवर्सिबल एंड इज देयरफॉर अ केमिकल चेंज. तो बेसिकली शुगर क्या होती है, हमारी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बन और उसमें कुछ एलिमेंट होता है वाटर का. कार्बन एंड वाटर के कंबाइंड होके हमारे कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं. जब भी हम शुगर को हीट करते हैं तो जो ये जो वाटर है ये वेपोराइज हो जाता है और हमारे पास क्या बचता है, कार्बन. सो ये ब्लैक कलर का रेजिड्यू बचेगा. अब एक बार अगर आपने हीट करके ये ब्लैक रेजिड्यू ऑब्टेन कर लिया, अब उसे वापस आप शुगर नहीं बना सकते. अगर एक बार वाटर जो है अलग हो गया, इवेपोरेट हो गया गर्म करने के बाद, उसे ठंडा करोगे तो वापस से आपको शुगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलेंगे. दैट मीन्स दिस इज़ अ इरिवर्सिबल चेंज, सो दिस इज़ आल्सो अ केमिकल चेंज, द चारिंग ऑफ शुगर. बेसिकली हम शुगर को हीट कर रहे हैं यहाँ पे. डाइजेशन, फूड ऑन बीइंग डाइजेस्टेड इनसाइड आवर बॉडी इज चेंज इनटू सेवरल डिफरेंट थिंग्स, some of which are taken up and some expelled by the body. The change cannot be reversed, either digestion is a chemical change. जो भी हम खाना खाते हैं so further वो several different things में divide हो जाता है. so ये जो नई चीज़ें, जैसे हमें energy मिलती है, जो glucose बनता है हमारे खाने से, ये अब दोबारा से reverse back नहीं हो सकता, दोबारा से food नहीं बन सकता. सो डाइजेशन इज अ केमिकल चेंज. नेक्स्ट इज फर्मेंटेशन, इज अ प्रोसेस एम्प्लॉयड फॉर प्रिपेयरिंग एल्कोहल फ्रॉम फ्रूट्स कंटेनिंग शुगर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स. अ शुगर सोल्यूशन चेंज इन टू एल्कोहल लिबरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रोथ इज फॉर्म्ड एंड द लिक्विड appears as if it were boiling. The process is known as fermentation. It is an irreversible process in which new substances are formed. Therefore, it is a chemical change. Fermentation, अगर normal language में कहें तो किसी चीज़ का सड़ना. So हम क्या करते हैं, जो fruits होते हैं उसमें sugar, उनमें कुछ enzymes डालते हैं जिनमें ये fermentation का process speed up हो जाता है, तेज़ हो जाता है. इस प्रोसेस के दौरान कोई भी फ्रूट आप ले सकते हो जिसमें शुगर हो, जैसे जन ग्रेप्स भी होते हैं लेते हैं कहीं. सो इसमें जो हमारा शुगर है, जो हमारी फ्रूट के अंदर जो शुगर है वो चेंज होती है अल्कोहल में, और इस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है. सो इस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है तो एक फ्रोथ यानी झाग सी दिखाई देती है, तो ऐसे लगता है कि जैसे ये चीज़ बॉयल कर रही है. बेसिकली इट वाज लिबरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड. इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन. सो ये प्रोसेस भी हमारा एक फर्म, ओके, लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, फर्वेयर, इसका मतलब होता है टू बॉयल. सो ये भी एक इरिवर्सिबल प्रोडक्ट प्रोसेस है. इस प्रोसेस के दौरान अल्कोहल बन रहा है एक न्यू सब्सटेंस, सो इट इज़ अ केमिकल चेंज. नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस, आई एम श्योर यू आर क्वाइट अवेयर ऑफ इट. ग्रीन प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. किससे प्रिपेयर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन सनलाइट. तो ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो ग्रीन लीव्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो एक एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रूट्स इन्हें वाटर सप्लाई करते हैं. सो इन सनलाइट में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स
ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो हम इनटेक करते हैं। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। सो न्यू सब्सटेंस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन आर फॉर्म इन दिस चेंज, आल्सो चेंज इज इरिवर्सिबल, सो फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज। सो ये जो न्यू सब्सटेंस बने हैं, अगर सनलाइट में ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुए, ऐसा नहीं है कि रात हो गई सन गया तो आपका वापस से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन जाएगा। सो न्यू सब्सटेंस है और ये रिवर्सिबल नहीं है चेंज, सो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। इन रेस्पिरेशन ग्लूकोज फॉर्म्ड बाय अ लिविंग बीइंग कंबाइन विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर फॉर्मिंग न्यू सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज इन द प्रोसेस, सो दिस चेंज इज ऑल्सो इरिवर्सिबल। सो ओके, रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो ये जो ग्लूकोज होता है ये लिविंग बींग के अंदर कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ, और हमारे न्यू सब्सटेंसेस क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो जो एनर्जी है रिलीज होती है इस प्रोसेस के दौरान, ये चेंज भी हमारा इरिवर्सिबल है। सो रेस्पिरेशन इज अ केमिकल चेंज। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी। नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल चेंज। द मास ऑफ इंडिविजुअल सब्सटेंस अंडरगोइंग अ केमिकल चेंज इज अल्टर्ड, बट द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, वैन कार्बन इज बर्नड इन एयर, द मास ऑफ कार्बन इज रिड्यूस्ड एंड फाइनली द कार्बन वैनिशेज। इनफैक्ट ऑल द कार्बन गेट्स कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड, बट द मास ऑफ द कार्बन प्लस द मास ऑफ ऑक्सीजन टेक अप जो फ्रॉम द एयर इज सेम दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड। ओके, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ कंजर्व्ड है, कोई भी चीज़ नई नहीं बन रही है। सो जब भी कोई रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, तो जो हमारा हम देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लो एक वुड लो, अगर एक वुड को हम जलाएं तो हमारे पास ऐश मिलती है। सो जो वुड थी वो काफ़ी हैवी थी, ऐश एज कम्पेयर टू बहुत ही लाइट है, उसका वेट बहुत कम है। सो हमें देखने में क्या लग रहा है कि ये जो हमारा जो हमने ये कंबस्टन की है तो इसमें हमारा सारा का सारा वेट कम हो गया, लूज हो गया, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है, टोटल मास जो है वो कंजर्व रहता है। फॉर एग्जांपल, हम स्टार्टिंग में रिएक्शन की क्या था, हमारे पास वुड थी और ऑक्सीजन थी। ये जो वुड एंड ऑक्सीजन ने कंबाइन हुए तो हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऐश प्लस हम वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर हम वुड एंड ऑक्सीजन टोटल का वेट ले और टोटल जो हमारी ऐश बची है, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हुई है और जो वाटर वेपर्स रिलीज हुए हैं, इन तीनों को ऐड करें, अगर ये कंबाइंड वेट हम चेक करेंगे तो जो पहले वेट था और जो बाद में वेट था वो एग्जैक्टली सेम रहेंगे। सो देयरफॉर दे हैव यूज्ड अ टर्म कंजर्वेशन, कि जो हमारी चीज़ है, जो मास है वो कंजर्वड है। सो जस्ट मास जो है एक हमने एडिशन, हम जो जब हमने सिंपली ऐश को देख रहे हैं तब हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया था, हमने भूल गए थे उसे। अगर हम उसको भी साथ में लेंगे और वाटर मॉलिक्यूल्स जो रिलीज हुए एयर में उनको भी साथ में लेंगे तो आप देखोगे जो आपका मास है वो कंजर्वड है। जो रिएक्शन से पहले था वुड का मास और जो ऑक्सीजन वुड ने यूज़ किया जलने के लिए, और उस जो प्रोडक्ट्स आपको मिले हैं, ऐश मिली है, कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में रिलीज हुई है, जो ऑक्सीजन जो वाटर मॉलिक्यूल्स एयर में रिलीज हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऐश प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स, इन तीनों का मास और जो पहले मास था वो एग्जैक्टली सेम रहेंगे। सो ये यहाँ पे भी यही एक्सप्लेन किया हुआ है, कार्बन इज बर्नड इन एयर, मास ऑफ कार्बन रिड्यूस्ड, फाइनली कार्बन वैनिशेस। इनफैक्ट कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, द मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन टेक अप फ्रॉम एयर इज द सेम दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। अगर आपने कार्बन को जलाया है एयर में, सो जो कार्बन जला है और किस में जला, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, कार्बन और ऑक्सीजन के मास को आपने ऐड किया और साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई उसका मास आपने दिया, तो आप देखोगे दोनों का मास सेम है। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई और जो कार्बन प्लस ऑक्सीजन का मास था वो सेम था। नेक्स्ट इज मास ऑफ द आयरन नेल इंक्रीजेज व्हेन नेल रस्ट, बट द मास ऑफ ओरिजिनल नेल प्लस ऑक्सीजन मॉइस्चर टेक अप फ्रॉम द एयर इज सेम दैट ऑफ रस्टेड नेल। उसी कंजर्वेशन ऑफ मास को एक और फर्दर एग्जाम्पल से समझाया गया है
कि जो आयरन का मास है, जो लोहे का मास है, अगर उसे रस्ट लग जाए तो वो मास थोड़ा सा बढ़ जाता है जब तक ये जो रस्ट है आयरन के साथ अटैच्ड है। लेकिन ओरिजिनल जो आयरन थी उसका मास थोड़ा कम था, बट अगर ओरिजिनल आयरन जो थी उसमें हम जितनी ऑक्सीजन यूज़ हुई है रस्टिंग के दौरान और जितना मॉइस्चर यूज़ हुआ है रस्टिंग के दौरान, अगर इन चीज़ों को ऐड कर दें तो जो रस्टेड आयरन नेल है और जो ओरिजिनल है वो दोनों सेम मास की हो जाएंगी। मतलब जो पहले हमारा नेल थी बिल्कुल ठीक नेल थी, उसमें हमने कितनी ऑक्सीजन ऐड हुई है उसे ऐड करें, प्लस जितना मॉइस्चर ऐड हुआ है, इन तीनों चीज़ों को ऐड करें तो जो हमारी रस्टिंग के बाद नेल बनी है वो में नेल का मास और ये पहले वाला मास बिल्कुल सेम होगा। दस केमिकल चेंजेस ऑबेज द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जितने भी केमिकल चेंज है ये सारे कंजर्वेशन ऑफ मास के लॉ को ओबे करते हैं। सो कंपेरिजन वेरी इंपॉर्टेंट। जो फिजिकल चेंज है वो टेम्परेरी होते हैं, जो केमिकल चेंज है वो परमानेंट होते हैं। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं। फिजिकल चेंज के दौरान कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, इसमें नए सब्सटेंसेस बनते हैं। आफ्टर फिजिकल चेंज ओके मास रिमेंस अनअल्टर्ड। अगर हम नॉर्मल मास की बात करें, फिजिकल चेंज के दौरान जो मास है वो चेंज नहीं होता। जो पानी था अगर उसे बर्फ़ बन जमा के बर्फ़ बना दिया तो उसका मास सेम रहेगा। सेम यहाँ पे मास जो है वो चेंज होता है, क्योंकि ये टोटल मास की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नॉर्मल मास की बात कर रहे हैं कि अगर आपने किसी पेपर को जलाया या आपने किसी चीज़ को ऑक्सीजन सिलेंडर सॉरी एलपीजी सिलेंडर को जलाया तो आप बाद में आपको क्या मिलेगा, जो मास होगा वो कम होगा, जो होगा पेपर को जलाने के बाद जो मास बनेगा वो चेंज होगा। नेक्स्ट, कैन अ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर टुगेदर। सो वेरी इंपॉर्टेंट, यस दे कैन। लेट अस एग्जामिन द चेंजेस दैट अकर व्हेन अ कैंडल बर्न्स। ओके, हमने देखना है क्या फिजिकल एंड केमिकल चेंज एक साथ हो सकते हैं। तो ये समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या किया है, वैक्स अंडर विक मेल्ट्स एंड द मोल्टन वैक्स फ्लोज डाउन एंड सॉलिडिफाई, दीज चेंजेस आर स्टेट एंड फिजिकल चेंज। अगर आपने कभी किसी कैंडल को बर्न किया है तो आपने देखा होगा कैंडल छोटी भी होती जाती है, कुछ वैक्स कैंडल के साइड पे फ्लो होके नीचे जा रहा है। अब कैंडल जब बर्न कर रही है इसका मतलब वो कैंडल को कंज्यूम कर रही है। कैंडल बेसिकली कैंडल की बर्निंग में क्या होता है, जो कैंडल है हीट की वजह से इसके वेपर्स बनते हैं और वेपर्स जलते हैं जो हमें लाइट की फॉर्म में दिखाई देते हैं, और इसी हीट की वजह से कुछ वैक्स जो है वो मेल्ट करता है और वो नीचे फ्लो कर जाता है। अब ये जो फ्लो करके नीचे जा रहा है वैक्स, ये हमारा है फिजिकल चेंज, क्योंकि ये सिर्फ स्टेट चेंज हुआ है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ और नीचे फ्लो कर गया और दोबारा नीचे जाके सॉलिड बन जाता है, और जो वेपर्स में चेंज करके जल गया वैक्स, दैट इज केमिकल चेंज। सो दैट कम्स अंडर केमिकल चेंज, क्योंकि वहाँ पे हमें लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो भी गैस प्रोड्यूस हो रही है वो उसे दोबारा से वैक्स नहीं बना सकते। सो आप देख सकते हो ये जो फ्लेम जल रहा है दिस इज ड्यू टू केमिकल चेंज, और ये जो साइड पे वैक्स मेल्ट होके नीचे डाउन सोलिडिफाई हुआ है, ये सारा फिजिकल चेंज है। ए पार्ट ऑफ मोल्टन वैक्स गेट वेपराइज बर्न टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, सो वैक्स इज केमिकल चेंज। सो जो हमने पहले डिस्कस किया, जो मोल्टन वैक्स है वो वेपराइज होता है और बर्न करता है, जो एक फ्लेम आपको दिखाई दे रहा था, और उस फ्लेम बर्निंग के बाद हमें क्या दो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। सो बर्निंग ऑफ वैक्स इज अ केमिकल चेंज। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन्वॉल्व एनर्जी चेंज। देर इज अ चेंज इन एनर्जी व्हेन अ फिजिकल और केमिकल चेंज अकर्स। एनर्जी इज यूजली इन फॉर्म ऑफ हीट इज आइदर टेकन इन एब्जॉर्ब और गिवन आउट। सो जब भी कोई फिजिकल और केमिकल चेंज होता है तो यहाँ पे एनर्जी चेंज होती है। सो जनरली या तो एनर्जी रिलीज होती है, गिवन आउट होती है, या फिर वो टेकन इन एब्जॉर्ब होती है। तो कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। ओके, इस बेसिस पे हमने चेंज को दो तरह से डिवाइन किया, एक एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक।
एक्सोथर्मिक, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, बेसिकली हीट एनर्जी रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक जिसमें एनर्जी कंज्यूम होती है, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। अब किस में एनर्जी रिलीज होती है, जैसे अगर आपने किसी लकड़ी को जलाया तो आपने देखा होगा उसमें कितनी सारी हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी रिलीज होती है, सो दैट इज़ एन एक्सोथर्मिक चेंज। सो देर आर मैनी चेंजेस दैट, ओके ना, इधर कुछ ऐसे चेंजेस में जो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक नहीं है। सो द फॉर्मेशन ऑफ अ हिट्रोजीनियस मिक्सचर इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ चेंज, व्हेन सैंड मिक्स्ड विद सॉल्ट और वाटर, नो हीट एनर्जी इज गिवन आउट और टेकन इन। इसकी एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है हिट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर आप पानी में सैंड सॉल्ट, सॉरी, व्हेन सैंड इज मिक्स्ड विद सॉल्ट और वाटर, नो, अगर सैंड को आप पानी में या सॉल्ट में मिक्स करते हो तो कोई हीट एनर्जी ना तो गिवन आउट होती है ना ही टेकन इन होती है। सो दिस इज अ दिस इज दिस डजेंट कम अंडर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक चेंज। एनर्जी चेंज इन फिजिकल चेंज, तो ये था हमारा केमिकल चेंज में जो एनर्जी चेंज इन्वॉल्व था। नाउ एनर्जी चेंज इन अ फिजिकल चेंज, चेंजेस इन अ स्टेट। सो व्हेन एनर्जी, फिजिकल चेंज में बेसिकली हमारी स्टेट चेंज होती थी सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस। तो अगर मैं आइस को हीट करता हूँ तो वाटर बनता है, दैट मीन्स आइस ने हीट कंज्यूम की, एब्जॉर्ब की, तो मुझे क्या मिला, वाटर। फर्दर वाटर को अगर हीट और हीट प्रोवाइड की, वाटर ने हीट कंज्यूम की, तो वो क्या बन जाता है, वेपर्स। सो और इसी का उल्टा अगर करें, जो वेपर्स है अगर वो हीट गिवन आउट कर दें, अपनी हीट बाहर दे दें, तो वो लिक्विड बन जाते हैं। अगर लिक्विड ये हीट गिवन आउट कर दे तो ये सॉलिड बन जाएंगे। एनर्जी टेक प्लेस ड्यूरिंग चेंज इज ड्यूरिंग अ स्टेट, सॉलिड अब्जॉर्ब्स हीट इन फॉर्म टू मेल्ट एंड लिक्विड अब्जॉर्ब्स हीट इन फॉर्म टू चेंज वेपर्स। सो जो हमने पहले डिस्कस किया है, ऑन बींग कूल्ड गैसेज एंड वेपर कंडेंस एंड लिक्विड फ्रीजेस। जब हम इन्हें ठंडा करते हैं, बेसिकली ठंडा करना मतलब हीट बाहर निकालना। सो जब ये इनकी हीट बाहर आती है, सो यहाँ पे जो हमारे वेपर्स हैं वो लिक्विड बन जाते हैं, और जो लिक्विड है वो फ्रीज। ओके, टेक अ लिटल वाटर इन अ स्टील और ग्लास बाउल, पोर बॉइलिंग।